नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 25th of March है, मंडे का दिन है, राहु काल का समय मॉर्निंग का रहेगा 8:35 AM से लेकर के 9:45 AM तक का। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों की और जानते हैं कि आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा है। एरीज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 10 of Wands एंड द सेकंड कार्ड इज सन, तो आज का दिन भी आपका बहुत ब्राइट और सनी रहने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं पे नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। साथ ही में आप लोगों के लिए लोगों के साथ जुड़ने का मौका है आज। जी हाँ, आज के दिन में पार्टनरशिप्स में कोई काम कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और मे बी न्यू प्लानिंग्स करने के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं पर प्लानिंग्स आज के दिन में ज़्यादा होंगी, इम्प्लीमेंटेशंस कम होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा व्हीकल, नया व्हीकल खरीदने का प्लान भी बना सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी पार्टनरशिप्स आप करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। उपाय की बात करी जाए तो आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं टॉरेंस की, कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए 4 of Wands एंड द सेकंड कार्ड इज स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है टॉरेंस के लिए। इसके अलावा जितना ज़्यादा स्ट्रगल आपने अभी तक किया है उसके रिजल्ट्स आज पॉजिटिव मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं पर आप लोगों को ऑप्शंस मिल सकते हैं करियर में आगे बढ़ने के लिए, और ख़ासतौर पर जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पर आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। अगर बात करी जाए उपाय की तो आज शिव चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जेमिनाइज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 7 of Pentacles एंड Ace of Pentacles, न्यू स्टार्टअप्स नज़र आ रहे हैं, नए किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, लेकिन रिश्तों में तनाव भी नज़र आ रहा है, तो आपको ध्यान किस बात का रखना है कि आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करें, छोटी छोटी बातों को चीज़ों को बढ़ाएंगे नहीं, और ख़ासतौर पर शाम के समय आप लोग ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी अवॉइड करेंगे। बात करी जाए अगर उपाय की तो आज संध्या काल के समय गूगल की या फिर लोबान की धुनी देना घर में अच्छा रहेगा। कैंसरियंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं द स्टार एंड द एम्परर, तो आज वो लीडरशिप क्वालिटी से लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं आपके काम के लिए। इसके अलावा आप भी अपने काम से सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन अगर बात करी जाए आप लोगों के लिए रिलेशनशिप पार्ट की तो उसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। मे बी आप अपने पेरेंट्स के जो डिसीजन मेकिंग है उससे नाखुश रह सकते हैं, मे बी उनके साथ आपका जो एक रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं पे अनस्टेबिलिटी आ सकती है, तो आज काफ़ी चीज़ों को समझना पड़ सकता है ऑन द पर्सनल फ्रंट आप लोगों को। इसके अलावा घर के छोटे बच्चे जो हैं उनकी सेहत का खासतौर पर ध्यान दीजिए, उनको जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों की सेहत का ध्यान दीजिए। अगर बात करी जाए उपाय की तो कोशिश करेंगे आज घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दीपक ज़रूर जलाएंगे। सिंह राशि कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए द टेम्परेंस एंड द सेकंड कार्ड इज 6 of Wands, सो आज के दिन में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रह सकती हैं किसी काम को करने या नहीं करने को लेकर के। हालांकि ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों के लिए आज के दिन में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, कुछ ना कुछ सजेशंस भी मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ पाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं पर एक पॉजिटिविटी भी लेकर के आ रही है क्योंकि आज कोई बड़ा डिसीजन लेना उतना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि जिस तरह का ऑरा आपका इस समय पर है ज़रूरी है कि कोई भी बड़ा बदलाव न किया जाए। 6 of Wands आपसे ये कह रहा है कि यू आर इन अ शेल्टर पोजिशन, जो लोग खुद का व्यापार कर रहे थे और अभी तक काफ़ी हद तक लॉसेस फेस किए थे आप लोगों ने, अब सिचुएशन है कि आप लोग रिकवरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर बात करी जाए उपाय की तो नमक का दान करना आज के दिन में अच्छा रहेगा। वर्गोस के लिए कार्ड निकल रहे हैं 9 of Swords एंड 9 of Cups, तो देर इज़ अ विश कार्ड, जो सोचा हुआ है उसे पूरा करने के लिए आगे ज़रूर बढ़िए, ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। आज जो लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, जी हाँ संगीत से कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आज ज़रूरी है। उपाय की बात करी जाए तो ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा, हो सके तो कुछ समय के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। लिब्रंस की बात कर लेते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड 10 of Pentacles कार्ड निकल रहा है, तो आज धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, पार्टनरशिप्स की स्थितियां बन रही हैं पार्टनरशिप में, लेकिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले उसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा। किसी के साथ धोखा देने वाली सिचुएशन बन सकती है, तो आज लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करना यानी कि ब्लाइंड फेथ करना अच्छा नहीं है। हो सके तो सेहत का ध्यान दीजिए, माइग्रेन्स जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में आप लोगों को लौंग का दान करना है किसी भी मंदिर में जाकर के, या तो लौंग का दान कीजिए या फिर कोशिश करें किसी भी आप लोग किसी मंदिर में जाकर के नमक का दान आज जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोस की, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज लवर्स, तो आज के दिन में रिलेशनशिप पार्ट स्ट्रांग होने वाला है। इसके अलावा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है हर क्षेत्र में, जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को नए मौके मिलेंगे, रिसर्च लाइन से जो लोग आगे काम करना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन के बारे में जो लोग प्लान आउट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा।
ट्रैवलिंग के हिसाब से भी आप लोगों के लिए आज दिन में कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन खाने पीने के हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मीठा या जंक फूड खाना अवॉइड करना होगा। स्कॉर्पियस के लिए उपाय ये रहेगा, आज शिव स्त्रोत का पाठ सुबह के समय में करेंगे। धनु राशि कार्ड्स निकल रहे हैं, 10 of Swords एंड 9 of Swords। तो आज के दिन में आप लोगों को काफ़ी हद तक सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धनु राशि वाले लोग दूसरों को के ऊपर रिलाय ऑन करेंगे, लेकिन एक लिमिट में। जी हाँ, दूसरों के ऊपर एक तरीके से रिलाय ऑन करना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी रखना ज़रूरी है। हालांकि सीनियर्स के साथ तालमेल आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन जो लोग जॉब को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, इस समय पर आपको थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए। उपाय क्या करेंगे, आज ब्लू कलर्स को अवॉइड करेंगे और ज्यादा हो सके तो रेड कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, 7 of Pentacles एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो आज के दिन में आपका हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। मकर राशि वालों को दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में आज के दिन में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जेलस वाली सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। अगर किसी से उधार लिया हुआ है या दिया हुआ है, यानी कि पैसे का ट्रांजेक्शन आपके लिए लॉसेस लेकर के आ सकता है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर बात करें उपाय की, तो आज सूर्यदेव की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि चांदी के पात्र में आज दूध का सेवन संध्या काल के समय जरूर करेंगे। कुंभ राशि, पेज ऑफ वॉन्स एंड 7 of Wands कार्ड निकल रहा है, डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस, उससे बेटर है आज कुछ समय के लिए रुक जाइए। एक हॉल फेस तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा फेस जिसमें कि आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं हो, तो इस तरह की सिचुएशन जो है आज नज़र आ रही है। हालांकि कुंभ राशि वाले लोग जो हैं आज अपनी तरफ से मेहनत ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एट द एंड ऑफ द डे उस पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। आपको ध्यान किस बात का रखना चाहिए कि रिलेशनशिप पार्ट में बहुत ज़्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, आज सेहत का भी ध्यान रखना है। मीन राशि कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए, 9 of Swords एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के दिन में आप लोगों के लिए चीज़ों में जो अनस्टेबिलिटी अभी तक चल रही थी वो स्टेबल हो जाएगी। साथ ही में पैसों से जुड़ी हुई जो तंगी भी चल रही थी, आज खर्चे कम हो रहे हैं, आय के नए स्रोत जुड़ सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ जुड़ने के लिए में भी जो लोग सोच रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से दिन अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लोन के लिए, अगर बहुत बड़े अमाउंट के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। नए बिजनेस का सेटअप हो सकता है, नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। मीन राशि वाले लोग आज सेहत का खासतौर पर ध्यान रखेंगे। उपाय क्या करेंगे, आज शिव स्त्रोत का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा संध्या काल के समय करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आज तक के साथ।